नमस्कार, अराइज न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। अराइज न्यूज चला गांव की ओर कार्यक्रम की इस खास श्रृंखला में हम गांव-गांव जाकर विकास कार्यों की पड़ताल कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम पहुंचे गोपालगंज की मछागर लच्छीराम पंचायत के वार्ड नंबर 10, जहां से बबीता देवी वार्ड सदस्य हैं। बबीता देवी कहती हैं कि पंचायत के मुखिया की निष्क्रियता के चलते उनके वार्ड में विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं, चाहे नल जल योजना की बात हो या गली व नाली निर्माण की या फिर आम लोगों को सरकारी योजनाओं के लाभ की। यहाँ की जनता विकास को तरस रही है। उन्होंने कई बार मुखिया व आला अधिकारियों से इस बारे में बात की, लेकिन नतीजा ढाक के तीन पात ही रहा। नमस्कार, मैं हूं रुपेश कुमार, राय न्यूज में स्वागत है आपके। आज गोपालगंज जिला प्रखंड हथुआ पंचायत मासागर लच्छीराम में 10 नंबर वार्ड के पास पहुंचे हुए हैं। मेरे सामने यहाँ बबीता देवी मेरे सामने उपस्थित हैं। इनके 10 नंबर वार्ड में क्या समस्या है, इनसे हम जानकारी लेना चाहेंगे। यहाँ वार्ड सदस्य इन्होंने जीती हुई हैं और इनसे हम पर्चे लेना चाहेंगे। अपना नाम बताएं। बबीता देवी। अच्छा, अपने 10 नंबर वार्ड में क्या क्या समस्या है चाची? बहुत समस्या है, कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, नल जल योजना का पानी सारे घरों में जाता है? हाँ, सारे घरों में जाता है, लेकिन हमारे तरफ नहीं आती है। माने नल जल योजना में 10 नंबर वार्ड में सारे घर में पानी जाता है? नहीं, 10 वार्ड में कहाँ पानी नहीं जाता है। नहीं जाता है, किस कारण से नहीं जाता है? क्योंकि टंकी चालू नहीं की है। हम ब्लॉक भी बोली है कि टंकी मेरा चालू नहीं है, तो सब बोले है कि हम टंकी चालू करवाएंगे, उसको विषय में है, लेकिन आज तक ले कोई खबर नहीं दिए हैं। माने अभी तक ले जब से नल जल योजना लगा है, टंकी स्टेशन खड़ा हुआ है, तब से अभी तक किसी घर में पानी नहीं गया। नहीं गया, तो माने टंकी के कारण नहीं गया है कि पाइप के गड़बड़ी के कारण नहीं गया? टंकी के कारण। टंकी में क्या ऊपर टंकी है ही नहीं? टंकी लगवाई नहीं, वाला मुखिया जो है ना वो नहीं बनवाए है। उसके बाद जब ये मुखिया बना है तो ये कुछ करता नहीं है, नहीं चालू कराया के नाम लेता है। तो कभी आपने मुखिया जी को वीडियो के पास आपने इस नालिश को किए थे? नहीं किए थे, लेकिन बार बार किए थे कि मुखिया जी कोई काम बताइए, काम कराइए। वो कहते हैं कि आप करिए, आप जाकर ब्लॉक में जाओ। ब्लॉक में वीडियो से मिले हैं, सीडीओ से मिले हैं, कहे कि अभी सचिव भी नहीं बनाया है। कुछ भी नहीं, किस कारण से अभी खाता का संचालन नहीं? क्योंकि मुखिया नहीं खड़ा होता है। मुखिया कहते हैं, पहले तो हम कहते हैं कि हम गांव वालों के लोग से बना लेंगे, लेकिन मुखिया कहते हैं नहीं, हम चाहेंगे वही को बनाएंगे। फिर भी मुखिया हम कहें कि ठीक बनाइए, इतना दिन खोजते हैं। अभी आपको जीते हुए 2 से 3 साल होने जा रहा है। 2 साल हो गया, 2 साल से ऊपर जा रहा है। जी सर, 2 साल से ऊपर में अभी खाता संचालन भी नहीं हुआ, सचिव का गठित भी नहीं हुआ। इस विषय में कभी वीडियो साहब से आप लोग मिले थे? नहीं, वीडियो साहब से तो मिले नहीं थे, क्योंकि सचिव खातिर मिले थे। सचिव के लिए मिले थे। तो सचिव के लिए क्या आपने चुनाव कर पाई है कि नहीं? नहीं, वीडियो वो बोले हैं कि हम भेजेंगे, आप चुनाव करेंगे, हो जाएंगे। आपके यहाँ गली नाली की क्या स्थिति है? गली नाली के बहुत बात गंभीर है, क्योंकि नहीं कुछ सफाई होता है, नहीं नल लगता है, सब तो कुछ नहीं। नाली की व्यवस्था है, लेकिन नाली भर गया है, सफाई नहीं, सफाई नहीं हुआ है, उसके कारण रोड पर पानी गिरता है। जी सर। अच्छा, यहाँ पे 10 नंबर वार्ड में शौचालय की क्या व्यवस्था है? शौचालय के तो कोई व्यवस्था नहीं है। शौचालय किसी घर में बना नहीं है? नहीं, कोई। तो उसके लिए सरकार से आप क्या मांग करना चाहती है? हम मांग यही करेंगे कि मतलब सबको बन जाइए, यही न करेंगे। अच्छा, जब हम जीते हैं, लोग कहते हैं कि आप जीते हैं तो कुछ करो, कुछ करो। जब मुखिया नहीं कहते हैं, सरकार नहीं देते, तो हम कैसे करेंगे? हम तो खुद गरीब हैं, पैसा नहीं है। पीएम आवास की इंदिरा आवास सभी गरीब को मिला है? कोई गरीब आती है हमारे द्वार नंबर वार्ड में किसी को नहीं मिला है। कोई आता है हमारे द्वार पर, कहते हैं कि आप जीती हैं, क्यों नहीं चाव करती हैं, कहीं नहीं इंडियन आवास भरवाती है, तो हम क्या करें, बताइए आप। चलिए, मेरे सामने कुछ यहाँ पे जनता भी उपस्थित है, पब्लिक भी है, इनसे भी हम कुछ सवाल करेंगे। अपना नाम बताएं। ये चाची की तरह से 10 नंबर वार्ड जीती हुई है, इनको कहना है किसी घर में पानी नहीं जाता, क्या समस्या है पानी को लेकर? सर, समस्या ये सबसे बड़ी बात है कि अर्जुन मुखिया जब जीते हुए थे तो उस टाइम लगा, अभी 1 महीना चुनाव होने वाले था, उसी टाइम टंकी उनकी लगा, वो बेचारू हार गए। तो कहा गया कि हार गए, हारने का मतलब
चुनाव हो जाएगा तो फिर बनेगा जो मुखिया बनेगा। तो अच्छा, तब राजन मुखिया जीत गए। राजन मुखिया जीतने के बाद क्या हुआ कि राजन मुखिया इस पर थोड़ा सा भी जोर नहीं देते हैं। वीडियो के लगे हम गए थे कि सर खुद हम गए थे, ये मेरे चाची हैं जीती, हम गए थे वीडियो के लगे हैं, सीईओ के लगे हैं, हम बोले सर वीडियो साहब क्या बोले, वीडियो साहब बोल रहे हैं कि मोटर उसका खराब है, तो ऐसे काम थोड़ी चलेगा। मोटर खराब है तो मोटर कब बनेगा, पूछे थे तो कह रहे कि बहुत गंभीर है, पता ना गोपालगंज से जांच उस पर हम लिख दिए हैं कब तक काम होगा। माने आप गए तो श्वासन देकर टार देते हैं। जी जी, काम पर नहीं आता, नहीं किसी घर में पानी नहीं जाता, ना कोई पाइप। यहाँ पे चाची ये भी बोले थे नाली की व्यवस्था कौन है पूरी, नाली देखिए, नाली जो बनाए विधायक के फंड से नाली बना हुआ है, विधायक का फंड से बना हुआ है, नाली भर गया है, इसका सफाई मैंने 10 वर्ष हो गया, इसका सफाई करना अत्यधिक जरूरी है पूरी तरह से। ये भी चीज़ चाची बोल रहे हैं शौचालय यहाँ है ही नहीं। देखिए हाँ, शौचालय के व्यवस्था जो है ये फॉर्म उम दिए है, तो शौचालय 1-2 आदमी का पास हुआ है जो खुद अपना शौचालय बनाया। क्या सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? हम तो सरकार से यही मांग करना चाहते हैं कि 10 वार्ड में सबसे पहले गंभीर बात है कि नल जल योजना चालू किया जाए, पानी सबको, सबसे समस्या ये बड़ी बात है। दूसरी समस्या ये है कि 10 वार्ड में जो भी काम हो रहा है माने मुख्य नरेगा विभाग से, यहाँ पोखरा 10 का है, वो इनके अंडर होना चाहिए, इनसे लोग सवाल कर रहे हैं, हम लोग इनको वोट दिए हैं तो इनसे हम लोग पूछेंगे। अब दूसरा कोई राजन मुखिया हो रहे हैं वो अपना ही कास्ट कर देंगे कि मैं जीता हूँ तो मेरा कास्ट जीते, माने मैं उनको दूंगा काम कराने के लिए। मैं खुद गया था उनसे बोला कि दो जो जीता उसको कहीं नहीं दे रहे काम कराने के लिए, तो कह रहे करेगा 218 रुपया। जब मैंने पूछा तो उस आदमी से जो कर रहे हैं लेबर तो 450 रुपया दे रहे हैं। जो लड़का मुनीम करा रहा है काम वो 18 वर्ष का लड़का नहीं है, 12 वर्ष से 14 वर्ष का लड़का है, वो मुनीम का काम कर रहा है, बताइए। तो उसके लिए सरकार से क्या आवाज लगाना चाहेंगे? हम यही करना चाहेंगे नरेगा विभाग से कि जो भी पोखरा का सफैया हो रहा है, जो माटी कटा रहा है, इनको दिया जाए, ये जीती है इसी आश्वासन पर ना हम लोग 10 वार्ड में। चलिए मेरे सामने सवाल करेंगे। चाचा ये चीज बताइए कौन समस्या बनकर आ रही है, सबसे बड़ी समस्या नल जल योजना का है। सर जो नल हला ना वो आपके किसी के जमीन में हला है, इसलिए दोनों आदमी में झगड़ा चल रहा है, इसलिए टंकी जाके देखिए आपको सामने दिखाए थे फोटो लीजिए, उसका फंस गया है, अब ना उसको कोई ध्यान देता है ना कुछ। अभी बनना चाहिए सरकारी जमीन में, इसको बनना चाहिए, हमारे जमीन में बन गया, हमने रोक दिया उसको, वही लोग कैसे बैठे हुए हैं, सब फंस गया सर, हर टंकी आया पाइप लग गया और कुछ नहीं। चलिए मेरे सामने यहाँ पे ये लोग भी उपस्थित है, कुछ पानी से जो नहीं आता है। बिट्टू पटेल। अच्छा बिट्टू जी, कौन समस्या बनकर आ रहा है 10 नंबर वार्ड में? क्या ये समस्या बिल्कुल सही है? जी, नल जल योजना का पानी घर में नहीं जाता है? किसी घर में सर नहीं जाता है पानी। क्या सरकार से आप लोग क्या मांग करना चाहेंगे? सरकार से यही मांग करना चाहते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी चालू किया जाए। बहुत बड़ा समस्या है आपके वार्ड में, समस्या ये क्या कहना चाहेंगे? इसीलिए सरकार से हम यही कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द समस्या को हल किया जाए, पानी पहुँचाना, पानी पहुँचाए। चलिए यहाँ पे महिला सवाल करेंगे। चाची ये समस्या आपके यहाँ बहुत ज्यादा है, पानी नहीं मिल रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? विमल देवी, हमको पानी भी बहुत दिक्कत बा, पानी के भाई हमने के इंदिरा निवास आए तक के लिए ना के 1 रुपया मिला है। तो सरकार से मांग करता नहीं, जैसे पीएम आवास हो जाओ, पानी की सुविधा हो जाओ, नाली की सुविधा हो जाए, नाली का सुविधा हो जाए।